फिर से आप लोगों का एक नए ब्लॉग में। और फ्रेंड चाय आए पी चुके हैं हम लोग, और बस अभी नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ मैं। आप देख सकते हैं कि ये चीला बन रहा है, बेसन का चीला बना रही हूँ मैं नाश्ते में। बच्चों ने तो सुबह चाय ब्रेड ले लिया था, तो फिर अब इन्होंने सिर्फ सुबह चाय पी थी, तो फिर मैं पहले चीला बना के इनको ही दे रही हूँ। तो बच्चे पढ़ भी रहे थे तो अभी इनको बना के मैं दे रही हूँ, और उसके बाद फिर बच्चों को बनाऊँगी, क्योंकि चीला बनाने में टाइम तो लगता ही है। और फिर मुझे तो मतलब लोहे के तवे में तो मैं बिल्कुल भी चीला नहीं बना सकती। ये नॉन स्टिक पैन है तो इसमें तो बन भी जाते हैं, और वैसे लोहे के तवे में तो मुझसे नहीं बनते हैं, बहुत मुश्किल से बनते हैं अगर बनाती भी हूँ तो, और इसमें तो बहुत ईजली बन जाते हैं। चीले बहुत टेस्टी बने थे, ये खा रहे थे तो बोल रहे थे कि अच्छे बने हैं, क्योंकि मैंने इसमें ना हरे प्याज की पत्ती, धनिया, मसाले वगैरह सब कुछ अच्छे से डाले थे। ये देखे फ्रेंड, दिव्यांशु पढ़ रहा है, इसने ब्रेड खा ली है चाय से, चीला नहीं खाता ये। और रिशु बैठा है, नाश्ता कर रहा है सुबह सुबह, और पढ़ाई भी कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि दिवाली में 2 दिन से तो इन लोगों ने कुछ पढ़ा नहीं है, तो अभी आज सुबह से बैठा दिया इनको। दे दूं? तो फ्रेंड हम सबका नाश्ता करा दी ने चीला का, गरम गरम चीला का सब लोग नाश्ता कर चुके हैं। और फ्रेंड अब अपने खातिर हम एक चीला और या थोड़ी सी खीर, कल की बची रहा है तो थोड़ी सी खीर और एक चीला हम अपने खातिर ले ली ने, बाकी चाय और ब्रेड सुबह खाओ रहा है। तो अब खाना आना की तैयारी आराम से करीबे। तो फ्रेंड आप लोग सोच रहे होंगे कि हम रो का आ रही है ने, तो फ्रेंड हम रो ना ही रही है ने, हम काट रही है न्यू हरा प्याज, तो हमारे आ रहे हैं आंसू, काहे थे हमें प्याज हम काटे हमें बहुत लागत थी आंखिन में। तो फ्रेंड्स नाश्ता करने के बाद में मैंने हरे प्याज की सब्जी बनाई और थोड़ी सी रोटी बनाई थी, ज़्यादा कुछ आज नहीं बनाया था। और आज ग्रहण का दिन था तो आज कुछ त्यौहार भी कुछ भी वैसा नहीं था दिवाली का, तो फिर और कल रात को मेरी तबीयत भी थोड़ा सा ख़राब हो गई थी, क्योंकि बस वही थकान वगैरह हो गई थी, हेडेक हो गया था। तो फ्रेंड्स मैंने खाना वाना बनाने के बाद में ये किचन भी क्लीन कर ली है, और आज बहुत जल्दी मेरा काम हो गया, क्योंकि सुबह जल्दी उठे थे, जल्दी सोए थे तो सुबह जल्दी भी उठ गए थे, और फिर ये सब लोग घर पे रहते हैं तो सब लोग थोड़ा थोड़ा हेल्प करा लेते हैं तो जल्दी भी हो जाता है। तो बस वही अब यहाँ पर मैंने सारे बर्तन धुल के रखे हुए थे, तो फिर मैं उनको सेट कर रही हूँ, और सेट करने के बाद में अब थोड़ा सा आराम करेंगे, और बच्चे पढ़ रहे हैं बैठ के। अभी 12:30 बज रहे हैं और आप लोग देख सकते हैं कि मेरा खाना वगैरह सब कुछ हो गया है, और मैं बर्तन लगा रही हूँ, क्योंकि आज मैं सुबह जल्दी उठी थी और बैठी नहीं, मैं बस नाश्ते के बाद ना चीला बनाने के बाद तुरंत सब्जी वगैरह कट करके फ्राई कर दी थी, फिर रोटियाँ भी जल्दी बना ली, तो इन लोगों ने आज जल्दी खा भी लिया, नहीं तो ये लोग लेट खाते हैं तो फिर नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड आज ग्रहण लग रहा था, 2:30 बजे से ही सूतक काल लगा था, लेकिन मेरी ना कल थोड़ा तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैंने ना किसी से पूछा ना मैंने गूगल पे सर्च किया। तो सुबह उठ के मैंने तो घर के काम वाम करके मैंने तो पूजा कर ली थी अपने लड्डू गोपाल जी को, जो भी भोग लगाती हूँ मैं दूध मिश्री का, वो सब मैंने लगा दिया था। अब मैंने बाद में सर्च किया तो मुझे पता चला कि पूजा नहीं करनी थी, बट कोई बात नहीं, अब अनजाने में कर ली तो कर ली। और फ्रेंड मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज हमने ना खाना बहुत जल्दी बना लिया है, अब देख सकते हैं मेरी किचन एकदम क्लीन पड़ी हुई है, और जल्दी खाना वाना बना के खा लिया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वही दिवाली के इतने सारे काम थे, साफ सफाई, शॉपिंग, पूजा, सारा काम करके, तो कल ना मेरे बहुत ज्यादा थकान सी हो गई थी और हेडेक भी हो गया था, तो कल मैं जल्दी सो गई थी, ज्यादा देर तक जगे नहीं। फ्रेंड ये देखो दिव्यांशु, ये लड़कियों वाले काम कर रहा है, देखो रंगोली बना रहा है, इधर देखो दिव्यांशु,
और देखो ये रंगोली मैंने और दिव्यांशु ने कल मिलके बनाई थी, तो मुझे तो इतना ज्यादा बनाना नहीं आता है, तो उल्टी सीधी जैसी बनी है बना ली। अब दिव्यांशु देखो मतलब पढ़ना ना पड़े इसलिए दिव्यांशु ये फालतू के काम अब कर रहे हैं बैठ के, कलर बचे हुए थे तो रंगोली देखो कितनी सफाई से बना रहा है ये। ये दोपहर में प्रसाद मांगने के लिए कुछ लड़कियां वगैरह बच्चे वगैरह आए हुए थे, तो मैंने दिव्यांशु से भेजा है कि जाओ प्रसाद दे आओ जाके। और ज़्यादातर मैं कुछ भी देना होता है तो बच्चों से ही दिलवाती हूँ। चलो अभी ना एक चश्मा लगा के भी दिख रहा है और बिल्कुल चांद के आकार में हो गया है सूर्य। और ये डबल चश्मा लगाने से ना, डबल लगाने से तो एकदम बहुत अच्छा दिख रहा है, एकदम जैसे सीनरी होती है ना आसपास पूरा रेड रेड सा हो रहा है और जो सूर्य है वो हल्का सा ऑरेंज में दिख रहा है और बिल्कुल चांद के आकार का हो गया फ्रेंड, न्यू हो रहा है एकदम। तो इस टाइम अभी सूर्यास्त का भी टाइम है तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है फ्रेंड्स। देखिए मम्मी दो चश्मे लगा के सूर्य ग्रहण देख रही है, बिल्कुल अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा। और ये कैमरे में ये सीन हम कैद नहीं कर सकते हैं तो भी बहुत एकदम यूनिक सा दिख रहा है। मेरे कैमरे से तो ये ऐसा नहीं दिख रहा था, लेकिन शाहिद के पापा हैं जो सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, वो ना छत पे जो सीढ़ी लगी है उस सीढ़ी से ऊपर गए थे और वहाँ से उन्होंने ये सीन लिया है। तो उनके मोबाइल के कैमरे में थोड़ा अच्छा आ रहा था तो फिर उनसे ही मैंने ये क्लिप ले ली थी और बहुत ही मतलब सुंदर लग रहा है देखने में। आप देख सकते हैं बिल्कुल चांद जैसा हो गया है और अभी शाम के ना 5:45 बज रहे हैं, सूर्यास्त का भी टाइम हो रहा है। तुम देखो आप लोग देख सकते हैं कि ये दिव्यांशु देख रहा है अभी। दिव्यांशु लो डबल लगा के देखो, बहुत अच्छा दिखेगा। कैसा दिख रहा है दिव्यांशु? रेड रेड दिख रहा है ना उसके आसपास, बहुत ही अच्छा लग रहा है ना देखने में। साइज क्या देखने आए हो तुम भी? ग्रैंड सूर्य ग्रैंड देखने आए हो? हाँ। दिखा तुमको? हाँ। और तुम ऐसे क्यों देख रहे हो चश्मा लगा के? देखो चश्मा लगा के वो देख ही नहीं रहे थे। ये देखो कितने लोग इकट्ठे हो गए छत पे है सूर्य ग्रहण देखने के लिए, ये इधर देख सकते हैं आप लोग। ऋषु तो भाग गया नीचे, इसीलिए तो 12 घंटे बाद। नहीं अब थोड़ी रहेगा, 12 घंटे पहले लगता है सूतक, बाद में भी रहेगा आज के? नहीं बाद में नहीं रहेगा, आज दिखा रहे हैं। चलो सीढ़ी पे नहीं चढ़ना है, आ जाओ चलो चलो सीढ़ी पे। चढ़ लोगी तुम? चढ़ लोगी इसमें? एका ये देखो चश्मा छीन रही है, चलो आओ नीचे, चलो नीचे आ नहीं रही है, देखो लो मम्मी के पास जाओ, चलो भाग जाएगी ये खबर तो। चलेंगे चलेंगे। देखो अब इसका नीचे जाने का मन नहीं हो रहा है, यहाँ खेलने के लिए अब ये जिद कर रही है। इसके पापा गए थे सीढ़ी से ऊपर वाली छत पे वो सूर्य ग्रहण की वीडियो बनाने के लिए, तो इसने देख लिया था तो अब ये भी जिद कर रही है, बार बार सीढ़ियों पे जा रही है। ये क्या होता है कैसे मुंह फाड़ के रो रही है? देख लो देखो इसको, लक्ष्यु को देखो कैसे रो रही है। ए आहा कैमरा चल रहा है, पता चल गया हंसने लग गई। ये खराब है मेरे को लग रहा है। तो ये किचन में लग गए हैं सब्जी बनाने, इनको खाना बनाने का बहुत शौक है और पनीर की कई तरह की सब्जियां बनानी आती हैं, तो आज जब भी इनकी छुट्टी होती है तो ये मेरी हेल्प करवा देते हैं। मैं भी लग गई हूँ इनके साथ में क्योंकि बच्चों को भूख लग रही थी तो बच्चे बोल रहे थे जल्दी खाना बनाओ और मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही थी। हाँ सब्जी तैयार हो गई, कितनी देर लगेगी? 10 मिनट 5 मिनट 3-4 मिनट भूख लग रही है बस, अब आटा लगा दिया है, फटाफट रोटी बनाती हूँ और बच्चे भी कह रहे हैं जल्दी खाना बनाओ। ये देखिए हमारा कढ़ाई पनीर बन के तैयार हो गया है और ये बनाने वाले हैं
खाना बनाने का शौक है, जब छुट्टी होती है तो फिर ऐसे ही किचन में लग जाते हैं कुछ ना कुछ बनाने के लिए। फ्रेंड सब्जी टेस्ट करती हूँ कैसी बनी है। बहुत अच्छी बनी है, होटल की सब्जी फेल है। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स बस गुड नाइट, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।